देखो एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क में सपोज करो आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं और एक रॉड को दो रस्सियों से बांध रखे हैं, ठीक। दो स्ट्रिंग्स हैं ऊपर की तरफ और ये रॉड हवा में टांग रखी है। आपने एक स्ट्रिंग को काट दिया, इमेजिन करो स्लो मोशन में क्या होगा। ये रॉड है, काट दिया, स्ट्रिंग ऊपर लगी हुई है यहां पे, ये रॉड ऐसे गिरेगी नीचे, ऐसे नहीं जाएगी पर रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे आएगी। और जब ये ऐसे रोटेट करेगी बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये पॉइंट होगा। और पासिंग फ्रॉम वेयर वो एक्सिस कहां जाएगा, ऐसे जाएगा कि आपकी तरफ आएगा, ऐसे जाएगा आपकी तरफ, आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ आएगा। क्यों? देखो जब भी ये रोटेट करेगी ऐसे, सोचें एक कील गार्ड रखी है जिसके अबाउट रोटेशन है, ऐसे क्यों टांगेंगे, ऐसे टांगेंगे ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी तरफ है ऐसे, इमेजिन कर पा रहे हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बीच में से होगा। तो जैसे स्ट्रिंग को काटेंगे रॉड नीचे की तरफ आएगी, रोटेट करेगी, एक्सिस इसमें से पास करेगा। और कौन सी फोर्स इस रॉड को नीचे लेके आएगी, इसका वेट, इसका वेट क्या है, एम जी, इसका वेट एम जी। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? और डिस्टेंस इस एम जी का कॉर्नर से कितना है, एल बाई टू हाफ। क्यों? एम जी कहां पर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर तो वेट या मास कहां पर होगा, उसके सेंटर पे। तो यानी कि कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम जी। और मुझे जो टॉर्क निकालना है वो इनिशियल टॉर्क निकालना है। इनिशियल टॉर्क का मतलब काटते ही स्ट्रिंग में कितना टॉर्क आया, क्योंकि बाद में तो फोर्स चेंज होती रहेगी, टॉर्क चेंज हो जाएगा, पर काटते ही कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, वेट एम जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स एम जी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू। कोई डाउट इसमें? तो आपके पास ये टॉर्क का फॉर्मूला आएगा। तो समझ में आ रहा है कि टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके बेस पे जैसे एक और क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन है ये रहा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज करो एक्स और वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास एम है, जिसका वेट एम जी है, तो आपने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया। तो जब आपने इसको ड्रॉप किया, तो जब आपने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? इसका वेट इससे नीचे गिर रहा है, कितना, एम जी। तो एम जी वेट यानी कि फोर्स नीचे, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल टी पे वेट कितना है, एम जी है। तो क्वेश्चन है कि अगर ये एक्सिस है, ओ में से एक्सिस पास कर रहा है, तो इस इंस्टेंट पर टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क क्या होगा, फोर्स, फोर्स कितनी है, एम जी। एम जी कहां पर एक्ट कर रही है, वाई एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या बनेगा, ओपी। तो इसमें ये अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स ये रही, ये डायरेक्शन फोर्स की एम जी, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या बनेगा, एम जी, और ये डिस्टेंस है कितना, एक्स नॉट, तो एम जी इंटू एक्स नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कि टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई डाउट इसमें?